हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग आज है गुजरात के एक खूबसूरत शहर में, जो जूनागढ़ से 35 किलोमीटर होता है, केशोद में। तो दोस्तों, ये केशोद में अक्षयगढ़ है, जहाँ पे महादेव विराजमान है। तो चलिए, मैं आज आपको महादेव के दर्शन भी कराता हूँ और मैं भी करता हूँ। तो दोस्तों, ये बहुत एक अच्छा पर्यटक स्थल है, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं और महादेव के दर्शन भी करते हैं। यहाँ पे टीबी हॉस्पिटल, गुरुकुल और स्वामीनारायण मंदिर। यहाँ पे हर साल मेला भी लगता है और लोग मेले में आते हैं और महादेव के दर्शन भी करते हैं। महादेव के दर्शन करके धन्य हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मंदिर। यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो मंदिर की सेवा करते हैं, उसने मेरे को बताया कि 1971 में ये मंदिर की स्थापना की गई है। तो ये बहुत पुराना मंदिर है ये। अगर आप यहाँ पे मॉनसून के दिनों में आते हैं, तो आपको चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अक्षयनाथ का मंदिर, जो केशोद में है, जूनागढ़ से 35 किलोमीटर दूर। बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है दोस्तों। मंदिर के अलावा दोस्तों, यहाँ पे चिल्ड्रन पार्क भी है, जो मैं आपको आगे दिखाएगा। दोस्तों, हम लोग जूनागढ़ से निकलते हैं और सोमनाथ दर्शन करने जाते हैं, तो ये बीच में ही आता है। जूनागढ़ से 35-36 किलोमीटर तक होता है और यहाँ से सोमनाथ मंदिर है, वो 54 किलोमीटर है। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी खूबसूरत जगह है, यहाँ पे भी हमको जाके दर्शन करना चाहिए। अक्षयनाथ मंदिर बहुत अच्छा और खूबसूरत है और खूबसूरत जगह है यहाँ की। तो मैं भी महादेव के दर्शन करता हूँ और आपको भी कराता हूँ। तो चलिए, चलते हैं महादेव के दर्शन करते हैं।
तो चलिए ये मंदिर में भी जाके हनुमान जी के दर्शन करते हैं। तो ये मंदिर में जाके गणपति बाबा का भी दर्शन करते हैं। आइए तो करते हैं गणपति बाबा का दर्शन। आप एक बार यहाँ पे आते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि हम घंटों तक यहाँ पे ही रहे। इतनी खूबसूरत जगह है ये। यहाँ पे एक छोटा माउंटेन भी है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है ये। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आएगी, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी और खूबसूरत जगह। ये अक्षयनाथ का मंदिर जो केशोद में है। यहाँ पे एक गार्डन भी है, आप देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत गार्डन है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं। बहुत अच्छा गार्डन है, आप देख सकते हैं। एकदम ग्रीन ग्रीन लग रहा है, सब जगह पे हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। बहुत अच्छी जगह अक्षयनाथ मंदिर। यहाँ पे एक चिल्ड्रन पार्क भी है, तो चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ, चिल्ड्रन पार्क। यहाँ पे अभी सुबह के 8 बजे है और अभी चिल्ड्रन पार्क खुला नहीं है। शायद हो सकता है कोरोना की वजह से ना खुला हो। मैंने यहाँ पे पूछा तो बताया कि 3 बजे के बाद ये खुलता है चिल्ड्रन पार्क। ये भी बहुत एक अच्छी जगह है बच्चों के खेलने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये चिल्ड्रन पार्क। और यहाँ पे उसका टिकट प्राइस भी लिखा है, 1 से 7 साल बच्चों के लिए 10 रुपया है और 7 साल से ऊपर के लिए 20 रुपया है। फिलहाल तो ये अभी बंद है। तो भी मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ अंदर में कैसा है। आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है अंदर में।
अच्छी जगह है ये भी बच्चों के खेलने के लिए।